إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد ما يلفز من قول إلا لديه رقيب نتيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्ताल करता हूँ मेरा मौजू आज के इस दर्ज में है ज़ुबान की हिफाज़त ज़ुबान अल्लाह की दीवी एक बहुत बड़ी नमत है इस नमत की वजह से हम सब बात कर पाते हैं कलाम कर पाते हैं अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस कर पाते हैं दूसरों की ज़रूरतों को समझ पाते हैं अल्लाह ताला ने कुरान में बताया वालमया अल्लाह ने बयान की ताकत दी इंसान को ज़ुबान की ताकत दी बात करने की कैपेसिटी दी जिस तरह हम इस नमत से बहुत सारी नकियाँ कमा सकते हैं यहाँ तक आके पूरे ख़जाने के खजाने नकियों के लेकिन उसी तरह इस ज़ुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से हम पहाड़ के पहाड़ गुनाह कमा सकते हैं बल्कि हमारी निकियों को ज़ाय कर सकते हैं रायगा कर सकते हैं मेरे भाई अमी बहनें आज के इस दरस में कुरान हदीस की याद दहानियों से हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत के मुतल कुछ अहम बातें देखेंगे इस मौजू में सबसे बड़ी दुशारी यह है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे ज़ुबान कोई चीज़ ही नहीं जुबान से तो कोई चीज़ होती ही नहीं उनकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कहते हैं अरे मैंने तो सिर्फ कहा कहने से क्या होता है कहने से क्या होता है कहने से क्या होता है आपको जानना है इमाम तबरानी ने अपनी किताब मौजमल कबीर में इस हदीस को जमा किया है इसकी तहकीक़ सही अलजामे में है और हदीस सही सनत प्यारे नबी महम्मली ने फरमाया अक्सर आदम अक्र ही अक्सर खताएँ आदम की औलाद की उसकी जुबान की वजह से होती है क्या होता है अक्सर खताओं से क्या होता है जुबान की वजह से क्या होता है बोलने से अक्सर खताएँ होती है अक्सर खताएँ हाथों की वजह से नहीं होते हैं पाँव की वजह से जुपा, जुपा, था। था। जुपा। जुपा जुपा नहीं होते हैं ज़ुबान की वजह से होते हैं और लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है कुछ लोग कहते हैं मैंने तो सिर्फ बोला कुछ किया थोड़ी कुछ किया नहीं इस्लाम ये बताता है कि जुबान से कुछ कहते हैं यह भी एक अमल है जैसे हाथ से कुछ कर रहे हैं तो अमल है ज़ुबान से कुछ कहते हैं ये भी एक अमल है ये भी एक काम है हाथ का काम काम जुबान का काम काम नहीं है वो भी काम है कुरान की आयत है काफ़ की सराह नंबर पचास आयत नंबर सत्रह अठारह अला सब्बान तौल ने इस आयत में फ़रमाया तलकल मतलानी अनिलयमीनी वन शिमाली कईद जब दो हासिल करने वाले जो सीधी तरफ दाई तरफ और बाई तरफ उल्टी जानब बैठे हुए होते हैं फरिश्ते क्या रिसीव करते हैं हमारे अमाल हमारे अमाल को रिसीव करते हैं वो हासिल करते हैं रिकॉर्ड करते हैं जो दो फरिश्ते हैं अब आयत के अंदर क्या जिक्र है वो बात सुनिए अल्लाह ताला ने फरमाया, मा मिन माफुमिन इल्ला ही रकीब नतीद जुबान से कोई कौल नहीं निकलता कोई कौल नहीं निकलता सिवाय के उसके पास फरिश्ते हैं जो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं ये नहीं दिया हुआ है कि बोलने से क्या होता है कुछ किया थोड़ी ये तो सिर्फ कहा नहीं बल्कि क्या पता चला कि जो जुबान से कही हुई बातें हैं वो भी पूरी तरह से महफूज होती है रिकॉर्ड होती है और क़यामत के दिन जो ज़र्रा ज़र्रा हिसाब में आने वाला है वो मैया अमल मिस खालरतन खैर जो ज़र्रा बराबर भी खैर करेगा देखेगा व मैया अमल मिस खाला जर्रतिन शर जो ज़र्रा बराबर भी शर किया अमल किया देखेगा तो जुबान से की हुई छोटी और बड़ी तमाम के तमाम चीज़ों को हम देखने वाले हैं इस बात में कोई शक ही नहीं है डाउट ही नहीं है और जो लोग कहते हैं कि कहने से क्या होता है आइए एक और आखिरी बात बताकर आगे बढ़ें यह हदीस को इमाम तिर्मिदी और इमाम नसाई ने जमा किया है इसकी तहक़ीक सहीजामे में मौजूद है अल्लाह के नबी महम्मद सल्ला वम ने फरमायाबदी बंदा एक बात बोलता है मीन रिदवान अल्लाह को राजी करने वाली एक बात बहुत सारी नहीं एक बात ला लहा बालन एहसास भी उसे नहीं होता लेकिन उस एक बात की वजह से उसे दर्जात बुलंदियाँ मिल जाएगी वाहबर वब्दा और यकीन बंदा लकलमो बिलकली एक बात बोलता है मीन सखत ली अल्लाह को नाराज़ करने वाली लाखी लालन उससे एहसास भी नहीं होता यहवी बिहाफ़ी जहन्नम उस एक बात की वजह से उसे जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा और लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है बोलने से क्या होता है बोलने की वजह से दर्जात और बुलंदियाँ भी मिलती है और बोलने वाली एक बात की वजह से जहन्नम की आग में फेंक भी दिया जाएगा लोगों को इस चीज़ के मुतालिका ने बताया है कि यहाँ पर वो एक बात क्या हो सकती है वो ऐसी कोई बात जो कुफ्र वाली बात हो जो शिरक वाली बात हो वो एक बात की वजह से वो इंसान जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा अल्लाह वक्त पर तो मेरे भाई और मेरी बहनें अब तक ये बात तो साबित शुदा हो गई है आई होप कि बोलने से बहुत सारी नेकियां भी मिलती है और बहुत सारे गुनाह भी होते हैं बोलने से एक इंसान दर्जात और बुलंदियों तक भी पहुँच सकता है और जहन्नम की आग में फेंक भी दिया जाएगा आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी हिफाज़त के मतलब एक बात अब अपने जहन व दिमाग में उसे महफूज कर दीजिए ये बहुत कीमती बात है इस मौजू के मतलब और वो ये बात है कि बोलने की आदत थोड़ा कम करना है हमें अगर ज़ुबान की हिफाजत करनी है तो ज़्यादा बोलेंगे तो हिफाज़त नहीं हो पाएगी हिफाज़त तब हो पाएगी जब कम बोलेगा एक इंसान इसी वजह से प्यारे नबी महम्मद ने फ़रमाया सुन तरमिदी की हदीस है सही अलजामे में तहकीक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन समत नजा जो खामोश रहा वो बच गया खामोश रहा वो बच गया क्या चीज से बच गया अक्सर खताओं से बच गया गीबत से बच गया चुगलखोरी से बच गया गुनाहों से बच गया कई सारी गलत चीजों से झूठ से फरेब से चीटिंग से कई सारे प्रॉब्लम से बच गया वो मन समता न जा क्या मैं आप सबको इंकरेज कर सकता हूं क्या आप तमाम भाई और बहनें जो इस दर्ज को देख रहे हैं अगर तीन बार मेरे साथ इस हदीस को दोहरा देंगे आप तो मैं समझता हूँ आपको इन अभी ही प्यारी सी हदीस याद हो जाएगी मन समता न जा मन समता नजा, मन समता नजा, जो खामोश रहा वो बच गया रूल है ये लोग क्या बोलते हैं लोग तो बोलते हैं अरे इसके मुंह में तो ज़ुबान ही नहीं है ये तो गाय हैं गाय ऐसा समझा जाता है माशरे में हमारे कि जैसा बहुत बात करने वाला बहुत इम्प्रेसिव आदमी है और कम बात करने वाले लोग अन्प्रेसिव होते हैं लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद ने कहा मन समता न जा जो खामोश रहा वो बच गया सही बुखारी की हदीस है अल्लाह के नबी मोहम्मद ने कहा जो अल्लाह पे ईमान रखता है क़यामत के दिन पे ईमान रखता है फल यकुल खैरन अच्छी बातें करे और करेकुत नहीं तो खामोश रहे अच्छी बात नहीं समझ में आ रही है कुछ तो अननेसेसरी बात करने की जरूरत नहीं है खामोश रहो हमारे लिए मिसाल कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता है आता है लद लसाहू कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कोई गिनना चाहता तो गिन लेता यानी इतना लिमिटेड बात करते थे कि आज के दिन में क्या क्या बातें बोले ये बोले ये बोले ये बोले लाआसाहू गिन लेता कोई अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज क्या क्या, क्या कहा ये कहा ये कहा ये कहा लोअ दुल आद अगर कोई गिनने वाला अगर गिनना चाहे ला आसाउ गिन लेता कि हाँ ये ये बातें उन्होंने कही आज के दिन में ये है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में आता है कैन तवील समत वकलील दहिक बहुत ज़्यादा खामोश रहते थे बहुत कम हंसा करते थे तो मेरे भाई मेरी बहनें आइए हम सब इरादा करें यहीं इसी दर्स में कि अपनी जुबान को कंट्रोल में लाएंगे अगर आप इस पहले पॉइंट के ताल्लुक से माफिकत नहीं रखते हैं तो आगे आपकी मदद करना कि हम अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में लाएं अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दें बहुत मुश्किल है अपना नेचर चेंज करना होगा हमारा नेचर होता है कई लोगों का नेचर होता है बहुत बात करते हैं अब ये बात करने की हैबिट जो होती है ना उनमें इसकी वजह से बहुत सारी खतएँ हो जाती हैं अक्सर खतएँ इसी वजह से हो जाती है बात करने के लिए टॉपिक चाहिए टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं तो फिर क्या मिलेगा अच्छा इसके बारे में मुझे ये बात मालूम पड़ी फिर वो शख्स कहेगा हाँ मुझे उनके बारे में ऐसा मालूम पड़ा क़ीला वाला उसने ऐसा कहा ऐसा कहा गया ये सब चीज़ें चलती हैं अल्लाह ताला इन चीज़ों को ना पसंद करता है और ज़्यादा बातें करो और फिर गीब शुरू हो जाए चुगलियां शुरू हो जाए फिर झगड़े शुरू हो जाए फिर मजाक किसी का उड़ाया जाए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसी वजह से पहली हैबिट चेंज करनी होगी क्या है वो हैबिट ज्यादा बात करने की हैबिट कंट्रोल करना होगा अल्लाह के लिए अपनी आखिरत के लिए कल क्या करेंगे कयामत क्या के दिन अक्सर खतए जुबान ने करके रखी है जुबान को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें बर्बाद कर देगी ये जुबान इसको छोटा मत समझो बहुत खतरनाक चीज है ये जहन्नम तक पहुंचा देने वाली एक बहुत बड़ी डेंजरस चीज है ये जुबान अल्लाह के वास्ते मेरे भाई और मेरी बहनें कंट्रोल करो मन समता न जा इस बात को अपना रूल बनाते हुए अब आगे बढ़ते हैं अब क्या क्या अच्छी चीजें मुमकिन है क्या क्या अच्छी चीजें हम कर सकते हैं जुबान से आइए देखते हैं सबसे अहम चीज जो इस जुबान से जारी रहना चाहिए वो है जिक्र अल्लाह की याद मैं आपको दो हदीसे बताना चाहता हूं जो इमाम बहकी ने अपनी किताब शोबुल ईमान में जमा किया है और दोनों हदीसों की तहकीक सही अलजाम में मौजूद है पहली हदीस सही है दूसरी हदीस हसन है पहली हदीस में आता है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल शाकिन शुक्र करने वाला दिल व लिसान लाकिर जिक्र करने वाली जुबान व वाल नेक सोलह बीवी तो इनका अला अमरी दुनिया व दीनिक जो तुम्हारी मदद करती हो तुम्हारे दीनी मामला में और तुम्हारे दुनियावी मामलों में ये तीन चीज़ें जो ख़जाने लोग जमा कर कर करके रखते हैं खैर मक तनाज उनसे बेहतर है कौन सी तीन चीज़ें शुक्र करने वाला दिल जिक्र करने वाली ज़ुबान नेक सौले बीवी जो दीनी और दुनियावी मामलों में एक शख्स की मदद करें पहले शुक्र करने वाला दिल क्यों क्योंकि अलगना फिलकल्ब वालफ्र फिल्ब मालदारी दिल में है गरीबी भी दिल में है ज़िक्र करने वाली ज़ुबान अल्लाह अल्लाबर अगर ज़ुबान जिक्र करती हो अल्लाह की अल्लाह की याद में मशगूल रहती हो खजाने के ख़जाने जमा कर दी गई ये ज़ुबान कयामत के दिन गए तो पता चला इतने सारे ख़ज़ा कहाँ से आए जिक्र करने वाली ज़ुबान थी इनके पास इसकी वजह से इनके पास ख़जाने के ख़ज़ाने आ गए और नेक साले बीवी जो दीनी और दुनियावी मामला में एक इंसान को मदद करे आधा दीन पूरा करने में उसने मदद कर दी खैर ना जो खजाने लोग जमा कर करके रखते हैं उनसे तीनों चीजें अच्छी है दूसरी हदीस फिर से बहकी शुभ ईमान में आता है जबल ने अल्लाह के नबी महम्मद सूछा क्या पूछा या रसूल कौन सा अमल है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है महबूब है कौन सा अमल है तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया अंतमुता विसनुका रौत मिन जिक्र कि तुम मरो इस हाल में कि तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से गीली हो जुबान अल्लाह के जिक्र से रौत मिन जिक्र गीली हो पता चला कि ज़िक्र में ज़ुबान हिलनी चाहिए जैसे कुछ लोग बिल्कुल क़लबी जिक्र करते हैं जिसके अंदर ज़ुबान हिलती ही नहीं है तो रतबो में अल्लाह कहाँ से होगा जुबान गीली हो अल्लाह की याद से उलमा ने इस हदीस को दलील बनाते हुए कहा है कि इस जिक्र की शराय में से कि ज़ुबान हिलनी चाहिए टू द एक्सटेंड यहाँ तक का कि नमाज भी जिक्र है अब नमाज़ में कोई कहा है, मैं दिली दिल में मैंने अल्लाह अकबर कहकर स्टार्ट होकर दिया तो उलमा कहते हैं उसकी नमाज स्टार्ट ही नहीं हुई क्योंकि जुबान हिलनी चाहिए जिक्र में तो खैर उमक नज़र नास वाली जो चीज़ है जो खजानों से बेहतर चीज़ है वो है जिक्र करने वाली ज़ुबान और वो जिक्र करने वाली ज़ुबान अगर, अगर अल्लाह के जिक्र में कंटिन्यूसली गीली रहती है तो फिर क्या होगा एक दिन जाकर इंतकाल होगा और वो इंसान की आदत थी कि वो अपनी ज़ुबान से जिक्र करते रहता था तो वो अमल करते हुए मर रहा है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है अलहमद और वो क्या है वो लिसान का रतबो में कि ज़ुबान गीली हो अल्लाह की याद से मेरे भाई और मी आज हम सब के सामने ये एक बहुत बड़ा मौका है ज़ुबान है चाहे तो उसे ज़िक्र में इस्तेमाल करें चाहे तो उसे बेहयाई गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें आज एक ऐसा ज़माना और दौर चल रहा है जिसके अंदर बुराइयाँ इतनी आम होती जा रही है कि एक शख्स अपने घर के अंदर सिर्फ गलत काम नहीं करता वो एक्सपोर्ट भी करता है उसके सारे पड़ोसी भी उस गुनाह में मुलविस होने लगते हैं अब जैसे मिसाल के तौर पर म्यूज़िक चला रहा है इतना लाउड चलाते हैं लोग कि सब लोगों को सुनाई दे पड़ोस पड़ोस में कई बार एरिया वाले मोहल्ले वाले डेस्क वगैरह लगा कर कोई वजह कोई बहाना कोई एक्सक्यूज़ लेकर सब पूरी एरिया वालों को कानों का जिना कराते हैं अब इस सिचुएशन में कोई अगर अपनी ज़ुबान को जिक्र से बजी नहीं रखेगा बहुत आसान है कि वो मुलविस हो जाए वो खुद भी ये सब गुनाह वाली चीज़ें जो लोगों की ज़ुबानों पे आज राइज हो गई है आज उनकी ज़ुबानों पर जारी हो गई है उसकी ज़ुबान पर भी आ जाएगी लेकिन जिक्र क्या है फोटस है वो जिक्र के ज़रिए अपने आप की अपनी ज़ुबान की हिफाज़त कर रहा है और अपने माइंड को पॉजिटिव थाट्स से भर रहा है ऐसे थाट्स जो अल्लाह ताला पसंद करे इंसान नहीं रब्बुल रबालमीन पसंद करे तो अपनी ज़ुबान को कंटिन्यूसली बिज़ी रखना प्रॉब्लम क्या हो गया बहुत सारे लोगों ने इसको एक फॉर्मेट में डाल दिया फॉर्मेट क्या है एक नेक दीनदार इंसान का पिक्चर ये होता है कि सर पे टोपी हाथ में तस्वी लेकिन ये तस्वी का कन्सेप्ट अगर आप तहकीक करें मेरे ब्रदर मेरे सिस्टर आप तहकीक़ करिए क्या अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम का भी ऐसा ही थीम था कि हाथ में तस्वी या आजकल तो मॉडर्न कुछ गैजेट्स आ गए हैं टक 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 करने के लिए क्या ऐसा मामला था हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है सुन नबुदाउत की सही हदीस है कि वो अपनी हाथ पे जिक्र किया करते थे और उनके हाथ में तस्वीर होने का कहीं कुछ बयान नहीं मिलता है न सहाबा के बारे में बयान मिलता है अल्लाह अकबर तो तस्वी का कंसेप्ट आया कहाँ से मतलब नबी सलीसम और सहाबा इक्राम के हाथ पे तो शोर्टली नहीं था अब लोग कहते हैं कि देखो हाथ पे कितना गिन लेंगे सौ तक गिन लेंगे उससे ज़्यादा गिनना है तो ओके कितना गिनना है आपको बोले एक लाख हज़ार ये कहाँ से गिनेंगे हाथ पर हाँ बात तो सही है एक, एक लाख कहाँ से गिनेंगे हाथ पे लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो एक लाख एक हज़ार एक लाख चौबीस हज़ार सो आन ऐसे ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद ही कोई जिक्र मिलेगा जो सौ से ज़्यादा साबित है हाँ तहक़ीक करके देखो और जो लोग ये नंबर्स देते हैं ना कि ये चीज़ इतनी बार पढ़ो ये चीज़ इतनी बार पढ़ो ये कहने का हमें हक़ नहीं है जब तक दलील ना हो क्यों क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो हमें बोलते थे ना कि ये चीज़ तैतीस बार पढ़ो अल्लाह सुबहानल्लाहमदिल्ला तैतीस बार अल्लाह अकबर तैतीस की भी हदीस है चौंतीस की भी हदीस है ये चीज़ उन्होंने ख़ुद की मर्ज़ी से नहीं कहा ज़ुहर की चार रकात फ़र्ज फजर की दो रकात फ़र्ज़ ख्वाहिशों से नहीं कहा हवा नबी अपनी ख्वाहिशात से नहीं बात करते इन हुआ वाह ये एक वही है जो उन पर नाजिल हुई है उन्होंने जो बताया वही के तहत बताया ये थर्टी थ्री ये थर्टी फोर ये दो रकात ये चार रकात ये सब नंबर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के तहत बताया तो नेचुरली जो लोग कहते हैं ये एक लाख चौबीस हज़ार बार ये एक हज़ार बार ये एक सौ एक बार ये सात सौ छियासी बार ये अगर कोई भी नंबर कोई देता है ये एक सौ इक्यावन बार तो ये नंबर देने के लिए उसको दलील देनी पड़ेगी क्योंकि वही तो नहीं आती उनके पास तो वो कहाँ से बता सकते हैं दीन की बात है दीन में नई चीज़ आने की कोई गुंजाइश नहीं हाँ दुनियावी मामला में नई चीज़ें आ सकती है दीन में नई चीज़ नहीं आ सकती तो हम ये देखते हैं कि फिर तो बहुत आसान है मामला जो जनरल जिक्र है जैसे ला 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 सुबहन अल्ला व भी हमदही सुबहानल्लाजीम है कितना कर सकते हो लाखों करना है करो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आदमी को कंसर्न हो रहा है एक इंसान को फिक्र हो रही गिन कौन रहा है फिर मैं तो गिन नहीं रहा हूँ हाँ है कोई गिनने वाला कौन गिन रहा है फ़रिश्तों को अल्लाह ने मुकर किया है फरिश्ते गिन रहे हैं उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्ट रिकॉर्ड मिलेगा क़यामत के दिन या ऐसा है मामला कि आपको लगता है एक रिकॉर्ड मैं भी रख के देखूँ ताकि बताऊँ कि नहीं नहीं ये रिकॉर्ड मैंने इतने पढ़ा था एक लाख बार पढ़ा था ये फरिश्ते ने इतना लिखा है ऐसा तो नहीं होगा ना डोंट वरी करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ पढ़ते जाओ जहाँ पे नंबर्स साबित है वो नंबर्स के साथ पढ़ें जहाँ पे नंबर्स नहीं साबित है तो जनरल पढ़ते जाओ लेकिन जुबान को गीला रखें अल्लाह की याद से खजाने जमा करके देगी ये जुबान खईर तनाज ना जो खजाने लोग जमा करके रखते हैं उससे अच्छा खजाना होगा वो खजाना अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह हम सबको अपनी जुबान पे जिक्र को अल्लाह के जिक्र को जारी करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अब जिक्र में एक खास टाइप के जिक्र पे आते हैं एक खास टाइप की बात जो बहुत बड़े सवाब को कमाने वाली चीज है और वो क्या है अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी चीज़ से रोकना अब जहाँ पर अच्छी बात कहने का वक्त आता है तो वहाँ खामोश नहीं बैठना है वहाँ पर मन समत नजा जो खामोश रहा वो बच गया तो कहाँ पे अप्लाई करना है गुनाहों के लिए अप्लाई करना है नेकियों के लिए थोड़ी अप्लाई करना है अब मिसाल के तौर पर किसी को देख रहे हैं आप कि वो गलत चीज़ कर रहा है किसी को कोई अच्छी बात बतानी है सही मुस्लिम की हदीस है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमरुम बिलमूफ सदका व नाह मुनकरी सदका अच्छी बात का हुक्म देना सदका है बुरी चीज से रोकना सदका है अब अच्छी बात का हुक्म हमें देना है बुरी चीज से रोकना है और ये क्या है सदका है सदका सिर्फ पैसों से नहीं होता एक रुपया भी जेब से खाली नहीं हुआ सदके का सवाब मिल गया एक शख्स है जो लखपति करोड़पति रोज अपने लाखों करोड़ों को खर्च कर रहा है अल्लाह के रास्ते में एक वो शख्स और एक दूसरा शख्स है जो लोगों को अच्छी बातें कहता है बुरी चीज़ों से रोकता है सदके का सवाब इसे भी मिल रहा है हो सकता है कि इसकी जुबान के जरिए ये लाखों करोड़ों के सवाब को कमाया जा रहा है और ये सदक़े का सवाब उसे मिला जा रहा है हदीस मिलती है सुनन तिरमिदी में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया लता बिल बिलमारूफ अच्छी बात का तुम हुक्म दोगे देना पड़ेगा दोगे व लता मुनकर और बुरी चीज़ों से रोकोंगे कबलाकुम नहीं तो अल्लाह तुम पर एक ऐसा अजाब भेजेगा कि उसके बाद तुम अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह अजाब को हटा दे हटा दे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा पता चला अगर हम सब मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी एक जमात के तौर पर अगर एक दूसरे से अच्छी बातें बोलना और बुरी चीज़ों से रोकना छोड़ दें तो अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब आ जाएगा उसमें हम मुलिस हो जाएंगे और ऐसा अजाब होगा कि अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह इस अजाब को हटा दे वो भी फिर भी नहीं हटेगा तो पता चला के अच्छे इस्तेमाल में से एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है वो है अच्छी चीज़ का हुक्म देना बुरी चीज़ से रोकना